मैं मोनल आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी जो सीरीज़ है वो वेडिंग सीज़न सीरीज़ है, और ऑब्वियसली वेडिंग सीज़न है तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और इन सारे फंक्शंस में हमें बहुत अच्छा अच्छा दिखना होता है, इसीलिए मैं बहुत सारे मेकअप के लुक्स आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप का लुक यहाँ पर क्रिएट किया है। मैंने ट्राई किया है कि स्पेशली नायका के प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक लुक क्रिएट किया जाए। तो मेरे पास जितने भी नायका के प्रोडक्ट्स थे उन सारे प्रोडक्ट्स को लेके मैंने आज का ये लुक क्रिएट किया है। तो है ना, बहुत ही सिंपल सा लुक और बहुत ही सुंदर सा लुक। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया ये देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने के पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। उसके 10 मिनट्स के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ नायका का प्रेप मी अप। ये एक प्राइमर है। ये प्राइमर इस तरीके से मैं अपने हाथों में ले रही हूँ और अपने फेस पे डैब 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 ऐसे मोशन में आपको इसे लगाना है। प्राइमर का काम आपके फेस पे जो पोर्स है उसे मिनिमाइज़ करना होता है, जिससे आपका फेस एकदम मैटिफाई दिखे। प्राइमर लगाने के दो फायदे हैं, एक तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और दूसरी चीज़ आपके मेकअप का जो बेस है वो बहुत ही प्लेन और स्मूथ दिखाई देता है। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो जैसे कि मेरा ऑयली फेस है, मैंने यहाँ पे ऑयल कंट्रोल एक्शन वाला ही फाउंडेशन यूज़ किया है। जो मेरा नंबर जो मुझे चाहिए होता है इस फाउंडेशन का वो है 02 वेनीला। यही सेम नंबर का फाउंडेशन और यही सेम नंबर का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ करती हूँ नायका के लिए। अभी तक मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस एक्चुअली ट्राई किए, लेकिन मुझे जो परफेक्ट शेड जैसा चाहिए वो सिर्फ मुझे नायका में ही मिला, और यही वो शेड है। तो जब हम फाउंडेशन लगाते हैं हमें हल्का हल्का पूरे फेस पर लगाना है, मतलब सब जगह पर आप पहले फेस पर लगा दो, उसके बाद ऑल ओवर फेस आपको इस तरीके से हल्के हाथों से उसे मर्ज करते जाना है। फाउंडेशन लग गया, शुरुआत में आपको लगा होगा कि काफ़ी वाइट वाइट फेस आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो कॉम्पैक्ट पाउडर है से उसे हम प्रेस करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना मेकअप का बेस प्रॉपरली सेट हो जाता है। कॉम्पैक्ट के बाद बारी आती है आई शेडो की। तो यहाँ पे मेरे पास नायका का ही एक पैलेट है जिसमें एक बिल्कुल भी लाइट कलर है, दो ग्लॉसी कलर दिया है और एक डार्क कलर दिया है लाइक ब्राउन। तो इसमें से जो लाइट कलर है वो मैं कलर ले रही हूँ मेरे ब्रश पे और अपने आईलिड पे मैं लगा रही हूँ। तो जो लाइंस क्रिएट होती है आँखों के ऊपर वो सारी हट जाती है, उससे एक इवन टोन मिलता है। उसके बाद जो डार्क कलर है उससे मैं हल्का वहाँ पे जो कलर है उसे वहाँ पे डिपॉजिट करने वाली हूँ। देखना, मुझे यहाँ पे मैं एकदम ही नेचुरल लुक देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ग्लिटरी हाईलाइट ग्लिटरी आई शेडो का यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल ये एकदम बेसिक जो कलर होते हैं, नेचुरल कलर जैसे दिखते हैं वैसा ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो, अब ना हमें बहुत ही कम सामान में बहुत कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखानी होती है। तो जैसे कि हम फाउंडेशन लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो आईब्रो के ऊपर ये सारी चीज़ें जम जाती है, इसीलिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास नायका का काजल है उसी को अपने हाथों में लिया बिल्कुल हल्का सा, और अभी आईब्रो के ऊपर मैं उसे जस्ट ऐसे रब कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल हल्का सा लगा रही हूँ, ताकि जो भी पाउडर है, फाउंडेशन लगा हुआ है, वो निकल जाए वहाँ से बस। और अभी मैं अम्बा लगाती हूँ यहाँ पे काजल। तो काजल लगाते वक्त ना आपको बहुत ज़्यादा उसे अपने आँखों को नीचे से खींचना नहीं है। नीचे मैंने बहुत लोगों का देखा है, बहुत आँखें अपने खींचते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। हल्के हाथों से ही हमें अपना काजल लगाना है। और अभी बात आती है अपने आई लैशेस के ऊपर काजल लगाने की। तो ये ना एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिन्हें आईलाइनर लगाना नहीं आता है उनके लिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सीधा काजल से ही एक लाइन ले ली, और अभी उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, जो ब्रश होता है उसी ब्रश से इसे हल्का हल्का स्मर्ज करती हूँ। स्मर्ज करने के वजह से जो अपना जो काजल है वो थोड़ा फैल जाएगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। इससे ना एक्चुअली स्मोकी आई का लुक आएगा, और तो है ना बहुत अच्छा ट्रिक, मतलब स्मोकी आई का लुक भी आपको मिल जाता है, और हमें बहुत ऐसा डिफ़िकल्टी से आईलाइनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो बिगिनर्स है जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है उनके लिए ना ये छोटी छोटी टेक्निक्स बहुत काम आती है।
और अब है लिपस्टिक लगाने की बारी। तो यहाँ पे ना मेरे पास दो लिपस्टिक्स है, मैं सोच रही हूँ दोनों यूज़ करूँ या फिर एक, तो चलो लगा के देखते हैं फिर पता चलेगा। नहीं, मैंने एक ही लिपस्टिक मेरी यूज़ की है और अभी उसी सेम लिपस्टिक को ना मैं अभी हाथों में ले रही हूँ, मतलब अपने फिंगर्स पे ले रही हूँ और यहाँ पे चिक बोन की, हाँ मैं उसे अभी लगाऊंगी। ये स्टेप ना ब्लश का एक्चुअली ये चीज़ है, ब्लश के जैसे ही मैं ऐसे लगा रही हूँ। बहुत धीरे धीरे आपको ये चीज़ करनी होगी, आपको जो थोड़े प्रैक्टिस भी ऑब्वियसली आपको चाहिए। तो धीरे धीरे आप ऐसे सेम ब्रश का, सेम लिपस्टिक का अगर आप इस तरीके से एज अ ब्लश लगाते हो तो उससे लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद दोनों कलर डिफरेंट लग रहे हैं या फिर अच्छे से मर्ज नहीं हुआ है, तो जस्ट आपका कॉम्पैक्ट पाउडर आप ले लीजिए आपके पफ में और उसे हल्के हाथों से ऐसे डैप डैप करके लगाइए, ताकि अगर कुछ अनइवन चीज़ें अगर रहती है मेकअप के थ्रू तो कि इवनली वो मेकअप आपका स्प्रेड होगा और इतना अच्छा सा लुक आपका क्रिएट होगा। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो, मेकअप वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करना और हाँ, अपनी सारी फ्रेंड्स को, अपने सारे रिलेटिव्स को, जितने भी अपनी मासी चाची आंटियाँ सब लोग हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी धीरे धीरे मेकअप की टेक्निक समझ में आए और वो भी बहुत ही कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छे अच्छे अपने लुक क्रिएट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।